हम रिक्शा करीब 15 साल से चलाने शुरू किए हैं। रिक्शा मैं शौक से नहीं चला रहा हूँ, रिक्शा मैं मजबूरी से चला रहा हूँ। रिक्शा में बहुत फटनी है। लाल मोहम्मद मेरा नाम है, वैशाली जिला के रहने वाले हैं। मेरा उम्र मतलब 47 साल के आसपास में जा रहा है, मगर किस साल में मेरा पैदा हुआ ये मुझे नहीं मालूम। मेरी बीवी और मेरा 3 बच्चे हैं। सुबह उठने के बाद पानी भी भरते हैं, वो चाय हुआ या बिस्कुट हुआ खा लेते हैं, बस पकड़ते हैं, रिक्शा निकालते हैं, रिक्शा पर बैठे रहते हैं। रिक्शा में जिस सामान भी मिलता है, भारी भारी जो भी मिलता है हम उठा लेते हैं। आलू भी ले लेता है, कभी चावल का भी बस्ता लेके जाता है, तो कुत्ता को भी उठा के बैठा के ले जाते हैं। अब जहाँ का भी सवारी मिलता है, ये नहीं कि 1 किलो 2 किलोमीटर, 5-5, 10-10 किलोमीटर चले जाता है, जहाँ का मिलता तो वहाँ चले जाते। रिक्शा के जरिए से हम दाल रोटी कमा के खा रहे हैं। रोज अगर लानी है 100-150 रुपया का रोज पर डे, अगर जो लाता हूँ बाल बच्चा में ख़त्म हो जाता है, तो एक पैसा की बचत नहीं हो रही। मेरे अंदर गुजरती है कि मैं भी बाल बच्चा को अच्छा स्कूल में रखना चाहते हैं, मेरा भी घर द्वार हो अच्छा से। हम भी तो चाहते हैं कि आप जैसे अच्छा कपड़ा पहनेंगे। घर ही आने के बाद ही थोड़ा सा मेरे को सुकून मिलता है, हमें यही खुशी मिलती है जो हम बच्चा है सबके साथ में हम हैं। हमारा भी ख्वाहिश है, चाह रहे कि हमसे अच्छा बच्चा हमारा से पढ़ लिख के थोड़ा अच्छा बने, अपने जैसा बनाएंगे तो फिर बनाने से फायदा क्या हो। हर इंसान चाहता है कि मेरा फैमिली के साथ खुशहाल रहे, इसीलिए मेरा कुछ फिक्र खा जा रहा कि मैं रिक्शा चला के मुझे कुछ हो जाएगा तो ये लोग को कौन देखेगा। यही चिंता में मैं हमेशा गुमसुम रहता हूँ।